नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 12R 5G versus OnePlus Nord CE 4 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12R 5G में 6.43 इंच जबकि CE 4 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 12R 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 12R 5G में 0.35 इंच जबकि CE 4 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12R 5G में 207 ग्राम जबकि CE 4 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12R 5G में 19:8:9 जबकि CE 4 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12R 5G में 6.78 इंचेस जबकि CE 4 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12R 5G में 1264x2780px FHD जोन और CE 4 5G में 1080x2412px FHD जोन मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12R 5G में 90.26% जबकि CE 4 5G में 88.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12R 5G में 450 पिक्सल प्रति इंच जबकि CE 4 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12R 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और CE 4 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12R 5G में 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और CE 4 5G की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12R 5G में Adreno 740 जबकि CE 4 5G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12R 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 और CE 4 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 12R 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB, 16GB की RAM मिलती है जबकि CE 4 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12R 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि CE 4 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 12R 5G में नहीं है जबकि CE 4 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12R 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 36,565 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 16GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 42,776 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें CE4 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,993 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus 12R 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Nord CE4 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 12R 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X100 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi 14 Ultra G है, तीसरा Tecno Camon 30 Premier 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F25 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।